हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग तो आज हम बात करेंगे जेके एस जूनियर इंजीनियर 2021 की पेपर वन को लेके जिसका एग्जाम ट्वेंटी अक्टूबर 2021 में हुआ था तो मैं पहले एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पेपर में वन ट्वेंटी टोटल क्वेश्चन है उस वन ट्वेंटी में से सिक्सटी क्वेश्चन आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे और बाकी के सिक्सटी क्वेश्चन बहुत ही जल्द चैनल में अपलोड हो जाएगा तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए तुरंत शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ तो पहली जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोजेक्ट को लेके है मतलब जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन उसको लेके है तो यहाँ पे दोस्तों एक एक्टिविटी दिया गया है जिसका ड्यूरेशन दिया गया है प्रोड्यूसेर ऑफ द एक्टिविटी आपको कहा गया है तो इसमें से आपको निकालना है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द गिवन टेबल तो इसको कैसे करते हैं पहले तो आप लोगों को ये जो चार्ट है इस चार्ट को आपको बना लेना है तो इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप सारे सारे के सारे जो भी है एक्टिविटीज को इस डॉटेड डॉटेड लाइन से से एरो uh, रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे फाइव है फिर एट है फिर आपका जो है uh, ऐसे बढ़ता जाएगा फिर आपका जो टोटल में आएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फोर्टी थ्री डेज इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू की ओर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट Comparative estimation compares the experience of two experts bottom up estimates gives results better than top down estimate parametric model estimating method can be used to get the days per workstation

बॉटम से ये आपका लार्ज या फिर रफ होता है तो बॉटम डाउन एस्टीमेट्स क्या हो जाता है ये जो है ये आपका प्रोजेक्ट फॉर इंडिविजुअल टास्क को लेके होता है जो कि जो कि वही स्टेज पे प्रोजेक्ट का वही स्टेज पे डिफाइन किया जाता है ये टॉप डाउन एस्टिमेट से ज्यादा एक्यूरेट है और बॉटम अप एस्टिमेट क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को लेके है तो ये आपका इजियर है इसका एरर करेक्शन इजियर है और इसका एक्यूरेसी ज्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कम्पेरेटिव एस्टिमेशन कम्पेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टू एक्सपर्ट्स ये कंपेरेटिव एस्टिमेशन नहीं है ठीक है तो ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा अगला सवाल क्या है देख लेते हैं इक्वेशन यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल इज गिवन बाय तो ये है आपका कहा गया कि अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी सी जो है आपका कंप्रेशन इंडेक्स वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन डब्ल्यू एल जो आपका लिक्विड लिमिट माइनस टेन परसेंट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा

ठीक है सारे के सारे इन्वॉल्व है फॉर वॉटर एंड वेस्ट वाटर ये आपका हो गया ठीक है वन जीरो फाइव डबल जीरो जो है ये आपका ड्रिंकिंग वाटर का स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कैश बुक तो कैश बुक के लिए इनकरेक्ट कौन सा है जो कैश बुक है ये आपका ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट क्रोनोलॉजिकली ये सही है कैश बुक्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जर्नल बट नॉट दैट ऑफ अ लेजर तो ये गलत है क्योंकि कैश बुक्स जो है ये आपका दोनों लेजर और जर्नल दोनों का काम ये कर लेता है ठीक है तो ऑप्शन सी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआरसी बहुत ही आसान क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन है शायद इस सेशन का आईआरसी कितने साल में फॉर्म हुआ था तो सबको पता है ये आपका 1934 ऑप्शन डी ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एक कोर कटर है जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया है जिसका वेट है थाउजेंड ग्राम और so, तो जो वेट ऑफ द कटर प्लस सॉइल है ये आपका टू एट फाइव जीरो ग्राम है तो यहाँ so, पे सॉइल का वेट कितना हो गया ये आपका बहुत ही सिंपल है जो है 2850 -1000, मतलब 1850 और ऑप्शन है आपका सही उत्तर है अगले क्वेश्चन की और बढ़ेंगे द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे जो ड्रैग और लिफ्ट है उसको तो ड्रैग क्या होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे होता है वो आपका ड्रैग हो जाता है ये आपका इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है और लिफ्ट फोर्स जो होता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन हो जाता है तो ये आपका परपेंडिकुलर मोशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड जो एलिमेंट होता है वो आपका एग्जर्ट करता है वो फोर्स एग्जैक्ट करता है तो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन से ड्रैग हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन और टू में टोटल नंबर ऑफ जोन इन इंडियन रेलवे तो इंडियन रेलवे में कितना जोन था नाइन

होता होता है 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 कि फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इतने छोटे में हमें 60 questions cover up करना ठीक तो इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट चल रहा है आपको क्वेश्चन से मतलब है उसका आंसर से मतलब है तो आप लोग वो कलेक्ट कर लीजिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन को हम देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस फॉर हाईवे अलाइनमेंट तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा सबको पता है पहले तो होता है मैप स्टडी उसके बाद रिकॉनाइसेंस फिर आपका प्रिलिमिनरी सर्वे फिर फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे इन द लेबोरेटरी द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज चेक्ड बाय तो लेबोरेटरी में आपका जो है सॉइल की डेंसिटी चेक किया जाता है किससे आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका स्पेसिफिकेशन कौन से आईएएस कोड में है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर को करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की uh, डेढ़ गुना हो जाता है times, okay? या आपको याद रखना है बाकी सेक्शन के लिए क्या क्या होता है बहुत सारे बार हमारे से, पिछले जो सेशन है उसमें डिस्कस हो चुकी है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन को क्या कहा जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको कहा जाता है ऑफ सेट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को करेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ ए प्रोजेक्ट इंक्लूड्स तो प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या क्या इंक्लूड होता है ये आपका हो जाएगा सॉइल एंड ट्रैफिक सर्वे विथ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है बाकी कॉन्ट्रैक्ट और ये सब ये सर्वे के अंडर नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के और इन फ्लो फ्लो इरीगेशन द इगेशन वॉटर फ्लोज टू लैंड बाई तो इरीगेशन तो बहुत सारे होते हैं देखेंगे क्या क्या होते हैं सरफेस इरीगेशन होता है जो कि के माध्यम से काम करता है फिर ड्रिप होता है जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आपका प्लांट रूट में पहुंचता है सब इरीगेशन या फिर सब सरफेस इरीगेशन उसमें आपका पंपिंग स्टेशन होता है कैनल्स होता है डीचेस होता है मैनुअल में वॉटरिंग कैंस के है मदद से जो घर में हम पौधों को पेड़ को जो हम पानी डालते हैं वो मैनुअल इरिगेशन है स्प्रिंकलर जो होता है वो के माध्यम से होता है तो इरिगेशन वाटर जो फ्लो इरिगेशन में है ना वो क्या हो, जा, हो जाएगा वो आपका ग्रेविटी के माध्यम से हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन की और बढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लॉस ऑफ हेड वॉटर डिपेंड ऑन तो हेड ऑफ वॉटर किस चीज के ऊपर uh, डिपेंड करता है वो आपका हो गया लेंथ नंबर ऑफ ऑफ के ऊपर और स्पीड वाटर पे डिपेंड करता है so question, यहां पे एक चीज होना जरूरी था अप टू टेन मीटर ठीक है लेकिन क्योंकि उससे आगे अगर हम जाएंगे तो वो स्पैन जो मेंशन रहता था उससे आपको टेन बाई स्पैन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता तो यहाँ पे क्योंकि स्पैन का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है तो आपको अप टू टेन मीटर ही लेना होगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 ओके okay. कैंटिलीवर के लिए आपका सेवन हो जाता है और जो आपका कंटिन्यूअस होता है उसके लिए 26 राइट क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे डिटरमाइन द फैक्टर व्हेन द विद्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ऑफ द वर्टिकल साइड्स ऑफ द बीकर डिक्रीजेस व्हेन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम इज रिड्यूस्ड टू वन फोर्थ देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कुछ भी नहीं हाफ रोजी एच ना और जो एच डैश्ड मतलब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा हाफ रोजी इंटू एच बाई फोर का स्क्वायर क्योंकि ये जो एच है ये एच डैश्ड कर देंगे हम एच डैश्ड इज इक्वल टू एच बाई फोर राइट तो यहाँ पे आपको क्या करना है हाफ इंटू वन बाई सिक्सटीन ओके वन बाई सिक्सटीन हो रहा है, है ना Uh, जो आपका uh, वर्टिकल साइड्स में तो ये वन बाई सिक्सटीन इंटू रो जी एट स्क्वायर तो ये आपका वन बाई सिक्सटीन टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा मतलब एफ का वन बाई सिक्सटीन टाइम्स हो रहा है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को देखेंगे कौन सी आईएस कोड विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लीज्ड अर्थनवेयर यूरिनल्स इन इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए नए टाइप की क्वेश्चन है, अभी अभी है तो आपका वन वन सेवन टू जो है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई लेट आयर पाइप का कोड है थ्री वन वन फोर सेवनटीन फोर्टी टू है आपका बिल्डिंग ड्रेनेज का कोड एट हंड्रेड सबको पता है थ्री एटी थ्री कोर्स ऑन फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन 875 है डिजाइन लोड के लिए 456 है प्लेन एंड रेनफोर्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर की कोड ऑफ प्रैक्टिस 1893 है आपका आत रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के और टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुशेस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी तो मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसमें आपका पुश हो रहा है तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट पुश है तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर ये पुल अगर खींचा जाएगा बॉडी को दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिटली ये आपका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की ओर

L एल बाई हो गया ये आपका L बाई टू हो गया मतलब तीन तीन करके हो गया पहले तो दोस्तों हम लोग ना फॉर्मूला को डिड्यूस कर लेंगे फिर आसान हो जाएगा रिफ्लेक्शन को देखेंगे पहले फ्री एंड पे वो आपका क्या हो जाएगा आ, मतलब वन थर्ड ऑफ W एल वन क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई ठीक है तो यहाँ पे वन थर्ड इंटू डब्ल्यू एल बाई टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई ठीक है तो ये आपका अल्टीमेटली आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी क्यूब बाई ई ठीक है अब क्योंकि मिड स्पैन में लोड है तो उसकी वजह से आपका स्लोप एट मिड स्पैन इंटू एल बाई टू हो जाएगा तो हाफ डब्लू एल टू बाय बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एल बाई टू से इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वन बाई सिक्सटीन डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई दोनों को एड करते हैं वन बाई ट्वेंटी फोर डब्लू एल क्यूब बाई प्लस वन बाई सिक्सटीन W L cube divided by EI, ये कितने से इक्वल हो जाएगा या आपका RB जो रिएक्शन ऑफ द प्रॉप हो जाएगा उससे इक्वल हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ए आई उसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा फाइव डब्ल्यू डिवाइडेड बाई फाइव डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिक्सटीन एल तो रहेगा नहीं ठीक है RB

और टॉप और एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है वो आपका स्ट्रेटेजिक इशू से इन्फ्लुएंस होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के और क्या कह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ टू वेक्टर्स तो रिजल्टेंट वेक्टर्स जो है वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से फॉर्म हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे शेयर स्पैन इज कॉल्ड द जोन वेयर तो शेयर स्पैन कौन से जोन होता है जहां पे आपका दोस्तों शेयर स्पैन जो होता है ये आपका शेयर फोर्स जहां पे कांस्टेंट होता है मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ टू इट्स एडजेसेंट रिएक्शन फोर्स ठीक है टू इट्स एडजेसेंट रिएक्शन फोर्स ठीक है तो ये हो जाएगा आपका शेयर स्पैन ये बीम में जहां पे रहता है एक या फिर एक से अधिक भी रह सकता है आपका शेयर स्पैन वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर और जो रिएक्शन फोर्स है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की और पाइप इन सीरीज़ नेटवर्क वाटर लेवल शुड बी तो सीरीज नेटवर्क है तो उसमें वॉटर लेवल का कोई भी रेस्ट्रिक्शन रहना नहीं चाहिए ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की ओर मॉड्यूल्स को लेके है मॉड्यूल्स को पहले देख लेंगे जितना कैनल आउटलेट्स दोनों होता है कि आपका नॉन मॉड्यूलर एक होता है सेमी मॉड्यूलर एक होता है आपका मॉड्यूलर आउटलेट ठीक है तो so, पहले तो हम देखेंगे नॉन मॉड्यूलर जिसका डिस्चार्ज उस डिस्चार्ज जो है ये डिफरेंस ऑफ वोटर लेवल पे डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूटरी और वॉटर कोर्स की जैसे कि आपका सबमर्ज पाइप आउटलेट मैशीरी लुस ये सब सेमी मॉड्यूलर जो है इसका डिस्चार्ज सिर्फ वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है ना कि वाटर कोर्स की वाटर लेवल पे इसका एग्जाम्पल है पाइप आउटलेट वेंचुरी फ्लिम और जो मॉड्यूलर आउटलेट होता है उसका जो है डिस्चार्ज वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है ना 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 कि आप ही ही आपका जो वाटर वाटर लेवल डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटरी और कोर्स ठीक है तो दे मेंटेन दे इंडिपेंडेंट है और इसी वजह से वो कांस्टेंट डिस्चार्ज को मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि कीब्स मॉड्यूल ठीक है यहाँ पे आपका रिजिड मॉड्यूल जो होता है मैंने अभी भी कहा जो रिजिड मॉड्यूल होता है वो डिस्चार्ज को मेंटेन कर सकता है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर कर फ्रॉन्टल प्रेसिपिटेशन ओरोग्राफिक साइक्लोनिक और कॉन्वेक्टिव ठीक है तो दोस्तों आप सबको पता है कि जब भी जो वार्मर लाइटर एयर होता है उसमें आपका जो होता है वो आ, राइज कर जाता है और कोल्डर डेंसर सराउंडिंग्स में आपका वो जगह ठंडा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ठीक है और ओरोग्राफिक क्या होता है साइक्लोनिक तो आपको पता है लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है फिर ओरोग्राफिक जो होता है उसमें आपका बेरियर्स uh, की वजह से तो ये सब आपको याद करके रखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखेंगे इन सर्वेंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लीड्स टू तो होल टू पार्ट क्यों किया जाता है पार्ट टू होल क्यों नहीं किया जाता है ताकि एरर्स जो रहेगा वो मिनिमाइज हो जाए ठीक है ये तो एक प्रिंसिपल हो गया दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ कि दोनों रेफरेंस पॉइंट को लेके ही एक तीसरी पॉइंट को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग है दोनों के दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स है आपको याद करके रखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखेंगे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एज पार थर्ड ट्वेंटी लखनऊ रोड प्लान जो होता है थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान जो होता है उसके हिसाब से आपका नेशनल हाईवे का जो एरिया है वो मतलब क्या हो जाएगा वो लेंथ कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय फिफ्टी और इसके uh, मुताबिक एक क्वेश्चन भी हम करेंगे ठीक है इसका यहीं पे session पे इसी सेशन हम करेंगे एक क्वेश्चन इसको लेके एक न्यूमेरिकल ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी में जो वाटर दैट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन सोइल्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ तो ये आपका ग्रेविट uh, तीनों तरह की पानिया होते हैं जो कि ग्रेविटेशनल जो कि लार्जर सॉइल पोर्स में जाता है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से काम करता है हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि नीचे नहीं जाता है जो कि सरफेस ऑफ द सॉइल टाइटली उसको पकड़ के रखता है वो हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है और कैपिलरी जो होता है वो कैपिलरी पोर्स में रहता है ठीक है और इसको सर्फेस पोर्स के माध्यम से ये आपका अटैच uh, रहता है सॉइल के ऊपर तो जो भी आपका रूट जोन में रहता है मतलब जो यूटिलाइज कर पाते हैं वो आपका कैपिलरी वॉटर ही है ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या कह ऑब्जेक्टिव ऑफ टू पॉइंट प्रॉब्लम विच इज सॉल्व रिसेक्शन मेथड इज तो टू पॉइंट प्रॉब्लम है तो दोनों ही स्टेशन को लोकेट करना है लोकेटिंग टू प्रीवियस मतलब गिवन लोकेशन ऑफ टू पॉइंट्स लोकेटिंग द स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द

परमिबिलिटी uh, टेस्ट है वेरिएबल हेड है सैंपल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर लेंथ 18.5 सेंटीमीटर हेड का जो डिफरेंस है वो भी दिया गया है और 20 मिनट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है फॉर्मूला कौन से यूज करना है बहुत आसान है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू ए इंटू एल डिड बाई कैपिटल ए इंटू टी लॉग बेस टेन एच वन डिवाइडेड बाई एच टू उट कर दीजिए ए में आपका जो है ये आपका कितना है वन एल कितना है एटीन पॉइंट फाइव सब सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में ही करते हैं और एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई फोर इन टू टू मतलब यहाँ पे क्या है आपका वन पॉइंट टू और पॉइंट सिक्स ठीक है तो यहाँ पे आपका फोर पॉइंट अच्छा यहाँ पे फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर आया 4.2 820 मिनट्स के लिए मतलब है आपका 1200 सेकंड्स और लॉग बेस 10 h1 डिवाइडेड बाय h2 तो h1 आपका बहुत ही आसान है 1.2 और h2 है आपका 0.6 जस्ट इसको पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 7.71 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर फ्रॉम वेर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन साउथ इंडिया पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा रो ऑप्शन बी क्वेश्चन थर्टी फाइव को करते हैं शॉर्ट ऑप्श इन चेन सर्वे ऑफ द इज शॉर्ट ऑप्सिट किसे कहते हैं फिफ्टीन मीटर लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑप्सिट है मीटर of so, से कम जो होगा वो आपका हो जाएगा शॉर्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कह रहा है मिनिमम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लैप और स्टिल एफी फोर वन फाइव को यूज किया जाता है अगर एफी फोर वन फाइव है तो पॉइंट वन टू परसेंट हो जाएगा अगर माइल्ड स्टील होगा तो पॉइंट वन फाइव परसेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सिग्नल इज कॉमनली यूज्ड इन स्टेशन फॉर शंटिंग पर्पस ऑफ रेल कोचेस तो यहाँ पे आपका यूज होता है सिग्नल सिग्नल ये ये इस टाइप की जो आ, को लेके क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो आ, आपका जब भी हम क्लासेस हो रहे थे डी एफ की तो वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जाके वो भी सेशंस देख लीजिए जो भी आप डी एस एस पी डी ट्रिपल एसपी जी आप ये सब अप्लाई आप अपियर uh, कर रहे हैं या फिर आप जेके एस एस बी जो भी अप्लाई कर रहे हैं आप जाके उसको देखिए ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की और डिफ्लेक्शन अलॉन्ग लॉन्गस्ट स्पैन एक्सेप्ट अलॉन्ग वन वे स्लैब इज तो जो डिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वॉट इज कॉन्टेंट ऑफ लाइम इन पोर्टलैंड सीमेंट तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम का कंटेंट है 62, 67 परसेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी को देख लेंगे सीपेज वेलोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी वैल्यू तो यहाँ पे आपका पोरोसिटी दिया गया है डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया गया है सॉरी फॉर द इंटरप्शन सीपेज वेलोसिटी आपका है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी सिंपल पुट कर दीजिए वन पॉइंट फोर थ्री फाइव आपका करेक्ट आंसर थ्री पॉइंट एट सेवन एट करके कुछ आएगा तो करेक्ट आंसर है तो इन सेंटीमीटर कैनल आउटलेट कितना हो जाएगा <coughs> तो देखिए पहले तो बात है ये आपका एफिशिएंसी अगर 80 परसेंट है तो कॉन्वियंस का लॉस कितना हो रहा है 20 परसेंट ऑब्वियसली ठीक है वाटर कॉन्वेंस का एफिशिएंसी फिर कितना हो गया कॉन्वेंस का एफिशिएंसी हो गया आपका 80 परसेंट ठीक है ना uh, तो यहाँ पे आपका ये बन गया 80 परसेंट ओके नाउ जो आपका कैनल uh, आउटलेट्स में आपका डेप्थ कितना हो जाएगा डेप्थ एट कैनल आउटलेट्स तो ये हो जाएगा आपका uh, 16 बाई 0.8, ठीक है तो यहाँ पे आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया और जो आपका कैनल इनलेट में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीस बाई पॉइंट एट तो ये आपका ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कैनल आउटलेट का पूछा है तो ये आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू को करेंगे ब्रेडेड रिवर ठीक है जो ब्रेड होता है मतलब ब्रेडिंग जो होता है ना हेयर uh, में वैसे टाइप का दिखने को लगता है ठीक है एग्रेडिंग जो होता है वो क्या होता है वो आपका सिल्टिंग रिवर होता है जिसमें आपका सिल्ट को मतलब आ, ये स्टेबल है ज्यादा डिग्रेडिंग जो है ये स्कावरिंग टाइप की रिवर है और बाकी स्टेबल रिवर सबको पता है इसके अलावा भी आपका जो होता है कि फ्लैशी रिवर होता है जो कभी कबाड़ आ जाता है मतलब आ, और बहुत आ, जो तबाही मचा के रख देता है फिर आपका एक होता है वर्जिन रिवर जो कि जो पानी जो होता है वो कभी कभी ड्राई आउट हो जाता है किसी किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में और एक होता है आपका टाइडल रिवर जिसमें आपका टाइड्स आता है टाइड्स आता जो है जाता है दिन में दो बार एक बार हाई टाइड लो टाइड फिर दूसरी बार भी हाई टाइड लो टाइड ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री को देखेंगे मैक्सिमम ऑफ ए बैंड चेन ऑफ ए रिबन ऑफ स्टील मतलब स्टील बैंड की कहा गया उसका विद कितना होता है वो होता है आपका सिक्सटीन मिलीमीटर मतलब ट्वेल्व से सिक्सटीन हो जाता है मिलीमीटर mm, ये आपका वो साइज है और इसका थिकनेस जो है ये आपका हो जाता है पॉइंट थ्री से पॉइंट सिक्स मिलीमीटर और ये जो लेंथ होता है इसका ये ट्वेंटी और थर्टी मीटर की लेंथ में पाया जाता है ठीक है फोर्टी फोर को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द स्लो सैंड फिल्टर तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसके लिए उसका फिल्ट्रेशन रेट इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता तीन हजार से छह हजार वो रैपिड के लिए है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अगले वाला क्वेश्चन जो है अभी क्या अभी मैंने बताई थी कि इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एरिया दिया गया है पंद्रह टाउन्स है तो एन एच और एस एच को नाइनटीन एटी वन सेंस के हिसाब से तो पहली बात तो मैंने अभी क्या अभी किया हमने कि कंट्री का जो एरिया है वो फोर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो ये आपका दो सौ अस्सी किलोमीटर नेशनल हाईवे का जो आपका लेंथ होने वाला है और स्टेट हाईवे के लिए यही वैल्यू आपका फोर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई पच्चीस हो जाता 560 लेकिन ये ऑप्शन में क्योंकि नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं uh, ये आपका आ जाएगा उसको उससे आपको 560 को uh, div, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देना है तो ये आपका 657 आ जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कैलकुलेट द वेट ऑफ वन मीटर लेंथ एंड डाया मीटर क्यूब है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा साजी कैसे आया डे स्क्वायर एल बाई वन सिक्सटी टू सबको पता है यूनिट वेट दिया गया है वन मीटर लेंथ के लिए है तो एल आपका हो गया वन डी आपका हो गया सिक्सटीन स्क्वायर यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या कह रहे हैं देखेंगे कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो तो टिम्बर वाला जो आपका रहता है उसमें आपका स्लीपर रहता है उसमें आपका सीएसआई तो सी का एक बहुत ही जरूरी वाला फॉर्मूला है एस प्लस टेन एज डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ठीक है जहाँ पे एस होता है आपका स्ट्रेंथ और H हो जाता है आपका हार्डनेस तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला ठीक है और सी का वैल्यूज जो होता है वो सेवन एटी थ्री ट्रैक स्लीपर ठीक है और इसका वैल्यू हो जाता है थर्टीन फिफ्टी टू ठीक है जो कि क्रॉसिंग स्लीपर के लिए है और तीसरा जो होता है दोस्तों वो हो जाता है चौदह सौ पचवान पचपन जो होता है आपका ब्रीज स्लीपर के लिए ठीक है तो ये आपको याद करके रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे रेनॉल्ड मॉडल लॉ ये किस पे बेस्ड है रेनाल्ड्स नंबर बहुत आसान सी चीज है नंबर याद करके रखना है में, को कितना लिया जाता है ये लिया जाता है आपका ऑब्वियसली इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कटर ठीक है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइडेड इन रोड

फिफ्टी टू को देखेंगे ठीक है इसके हिसाब से आपका जंप का जो होता है ना अंडर होता है वीक होता है या फिर मान लीजिए कि आ, आपका जो है ऑक्सीलेटिंग होता है या फिर स्टेडी स्ट्रॉन्ग क्या होगा नहीं होगा ये सब डिपेंड करता है जैसे कि आपका जो है ठीक है तो इसमें आपका ऑक्सीलेटिंग जंप होगा कि नहीं होगा कि वीक जंप होगा क्या होगा नहीं होगा सब आप इसमें

800 स्टील स्ट्रक्चर के लिए है बाकी सब पता है अभी के अभी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्लो सैंड फिल्टर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉन गिब कौन से साल में स्लो सैंड फिल्टर का इन्वेंशन हुआ था ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1804 ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विड्थ ऑफ कैरिज वे ऑफ टू लेंस विदाउट रेज्ड कर्व्स तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर अगर रेज्ड कर्व्स रहता तो ये आपका 7.5 मीटर और जो नॉर्मल है तो उसमें 3.75 ये आपका इंटरमीडिएट कैरेज वे रहता है ठीक है 58 को करेंगे डैश एग्रीगेट्स प्रोवाइड्स गुड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा इलास्टिक एग्रीगेट्स 59 को देखेंगे एडिशनल लॉन्गिशनल एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट फेसेस टॉर्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका 450 फिफ्टी mm मिलीमीटर हो जाएगा अगर टॉर्शन नहीं रहता तो आपका 750 फिफ्टी mm, मिलीमीटर उसके बाद ही आपका जो है साइड एनफोर्समेंट को दिया जाता है 60 को देखेंगे और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन बाकी के 60 क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा आपको बहुत ही जल्दी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले बाकी 60 क्वेश्चंस की और बाकी जो भी शिप्स है उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे इसी चैनल में तो हमारे साथ जुड़े रहना बिल्कुल ही ना भूलिए और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ में जरूर मिलेगा ठीक तो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्लीन तेरिया मेथड से यही तो होता है तो ये आपका टेन इन थाउजेंड तो हो गया आपका टेन थाउजेंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और जिसको भी लगता है कि बहुत ही फास्ट हुआ है वो जाके स्पीड को स्लो करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग